विश्व के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो एक बार स्पेन के एक कैफे में बैठे हुए थे और कॉफी पी रहे थे। टेबल पर पड़ी एक नैपकिन पर उन्होंने अपनी पेंसिल से कुछ रेखाएं बनानी शुरू कर दी। पास में बैठी एक महिला उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। जब पिकासो की कॉफी खत्म हुई तो वो उस नैपकिन को क्रम्बल करके वहां से जाने लगे। महिला ने पिकासो को रोका और कहा कि उनके हाथ में जो नैपकिन है वो उसे लेना चाहती हैं और अगर पिकासो उसके लिए कुछ पैसे चाहते हैं तो उसे देने के लिए भी वो तैयार है। पिकासो ने कहा, ठीक है, इसके लिए आपको $20,000 देने होंगे। महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। महिला ने कहा कि इसे बनाने में आपको केवल 2 मिनट का समय लगा है और आप इसके $20,000 मांग रहे हैं। पिकासो ने जो कहा वो हमारे लिए बड़े महत्व की चीज है। पिकासो ने कहा, नहीं मैडम, इसको बनाने में 2 मिनट का समय नहीं लगा, इसको बनाने में 60 वर्ष से अधिक लगे हैं। साथियों, आज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दौर में हम लोग लगातार सफलता की कहानियां देखते रहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन, इन सब चीजों से प्रभावित होते रहते हैं और लगातार काफी लोगों का ये प्रयास रहता है कि वो कैसे भी करके, कैसे भी ऊट पटांग हरकत करके किसी न किसी तरह से वायरल हो जाए। हकीकत क्या है, किसी भी स्थायी और बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको लगातार थका देने वाली मेहनत, बोर कर देने वाली प्रैक्टिस से कई वर्षों और यहाँ तक कि दशकों तक जूझना पड़ता है। पिकासो ने 2 मिनट में जो चित्र बनाया उसके लिए कितनी हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने रेखाएं खींची होंगी दशकों तक, तब वो 2 मिनट में एक ऐसा चित्र बना पाए जिसे कोई सामान्य चित्रकार 2 साल में भी ना बना पाए। यही चीज किसी भी बड़ी और स्थायी सफलता को प्राप्त करने के पीछे की कहानी को बयां करती है। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर कोई भी उल जलूल हरकत करके आप इंस्टेंट वायरल हो सकते हो और उसके आधार पर मिली एक ओछी तारीफ से प्रभावित होकर के आप सफलता की गलत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उस व्याख्या में कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग हासिल करने के लिए किसी भी चीज में पिकासो की तरह सैकड़ों रेखाएं और हजारों की संख्या में असफलताएं हासिल करनी पड़ती है, तब आप किसी काम में सिद्धस्थ होते हैं और जब वो सिद्धस्थ हो जाते हैं तो उसके आधार पर हासिल की गई सफलता ही स्थायी होती है। पाब्लो का ये उदाहरण हमें यही सिखाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।